इनकम टैक्स लैब्स क्या है फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैलकुलेशंस के साथ हम ये भी देखेंगे कि ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या फिर डिडक्शंस का फायदा मिलेगा ताकि आप अपना इनकम टैक्स सेव कर सको। इसके साथ साथ हम इनकम टैक्स कैलकुलेशन एग्जांपल्स भी देखेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम को सिलेक्ट कर सकते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, या फिर न्यू टैक्स रेजिम को सिलेक्ट कर सकते हो। अब बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम जो है वो सिलेक्टेड रहेगा और इसमें जो टैक्स लैब रेट्स हैं उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं इनकम टैक्स लैब रेट्स जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में एप्लीकेबल होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स लैब रेट्स हैं फॉर एज अप टू 60 इयर्स, यानी कि अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आपको ये टैक्स लैब रेट्स एप्लीकेबल होंगे। जहां तक ओल्ड टैक्स रेजिम का सवाल है, तो अगर आपकी सालाना इनकम 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, 0% का टैक्स है। अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक है तो आपको 5% का इनकम टैक्स पे करना होगा। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से 10 लाख रुपए तक है तो आपको 20% का टैक्स पे करना होगा। और इसके साथ साथ अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आपको 30% का टैक्स देना होगा। अब दोस्तों इस टैक्स रेजिम में आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और डिडक्शंस का भी फायदा मिलता है जो कि हम आगे आने वाले इस वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार से आपको इनकम टैक्स पे करना होगा इन टैक्स लैब रेट्स को यूज करके। वही अगर हम देखें कि न्यू टैक्स रेजिम में क्या टैक्स लैब रेट्स हैं, जहां तक फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 का सवाल है, तो अगर आपकी सालाना इनकम 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। 3 लाख से 6 लाख रुपए पे 5% का इनकम टैक्स, 6 लाख से 9 लाख रुपए पे 10% का इनकम टैक्स, 9 लाख से 12 लाख रुपए पे 15% का इनकम टैक्स, 12 लाख से 15 लाख तक 20% का इनकम टैक्स, और अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख के ऊपर है तो आपको 30% का टैक्स पे करना होगा। तो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट करते हो तो ये टैक्स लैब रेट्स हैं जो कि एप्लीकेबल होंगे आपके इनकम में। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड डिडक्शंस का फायदा आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ये रिड्यूस्ड टैक्स लैब रेट्स है न्यू टैक्स रेजिम में। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 आपको दोनों ही टैक्स रेजिम में मिलेगा, ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम में। जहां तक फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 का सवाल है, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हो, इसके साथ साथ जो टैक्स रिबेट होता है अंडर सेक्शन 87A ओल्ड टैक्स रेजिम में, उसकी जो लिमिट है 5 लाख की है, यानी कि 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक। वही अगर आप न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट करते हो तो आपको 7 लाख तक कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या होता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो कुछ इस तरीके से इनकम टैक्स लैब रेट्स हैं जहां तक ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम का सवाल है। ध्यान रखिएगा कि ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे नीचे है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख या उससे नीचे है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक। अब इनकम टैक्स कैलकुलेशन एग्जांपल्स की तरफ बढ़ने से पहले चलिए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो, जहां तक ओल्ड टैक्स रेजिम का सवाल है। अब जहां तक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या फिर डिडक्शंस का सवाल है, जैसे कि आप देख सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम में हम ये वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड डिडक्शंस को यूज करने वाले हैं। इसके अलावा और भी कई सारे डिडक्शंस हैं, लेकिन ये कॉमन डिडक्शंस हैं दोस्तों जो कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 आपको मिलेगा अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई या फिर पेंशनर हो और अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा सेक्शन 80C में कई सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड यानी कि PF जो कि हर महीने हमारी सैलरी से कट होता है, PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो कि एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है, इस स्कीम में भी आप डिपॉजिट करके अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो अंडर सेक्शन 80C। इसके अलावा अगर आप लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स पे कर रहे हो तो आप वो प्रीमियम भी क्लेम कर सकते हो। ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम का जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो भी इस सेक्शन 80C में बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट या फिर 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट जो है वो सारे अमाउंट आप सेक्शन 80C में इंक्लूड करके मैक्सिमम अमाउंट आप 1.5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। इसके अलावा सेक्शन 80D में आपको
25,000 रुपए तक का लिमिट मिलता है जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडेड है। इसके अलावा सेक्शन 80CCD1B यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में आप 50,000 रुपीज तक क्लेम कर सकते हो अगर आप इसमें डिपॉजिट करते हो। इसके अलावा HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस में डिपेंड करता है कि आपका हाउस रेंट आप कितना पे कर रहे हो, उसके अलावा आपको HRA का कॉम्पोनेंट कितना मिल रहा है आपकी सैलरी पे। तो दोस्तों HRA एग्जेम्पशन अमाउंट एक अलग तरीके का कैलकुलेशन होता है जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि 1,00,000 रुपीज तक आप HRA एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका होम लोन चल रहा है तो इंटरेस्ट अमाउंट जो है आप 2,00,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हो अगर आपका जो हाउस रेंट आप पे करते हो वो वाला घर और जो नया घर है जिसके लिए आपने होम लोन लिया है वो डिफरेंट सिटीज में है। तो दोस्तों आप ये दोनों ही क्लेम कर सकते हो यानी कि HRA और होम लोन का इंटरेस्ट अमाउंट सेक्शन 24 के हिसाब से 2,00,000 रुपीज तक आपको क्लेम करने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों ये सारे लिमिट्स का टोटल अगर हम देखें तो 5,75,000 होता है जो कि हम यूज करने वाले हैं एज डिडक्शन ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में देखो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज 50,000 आपको मिलेगा अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय या फिर पेंशनर हो, जहां तक फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 का सवाल है। इसके अलावा दोस्तों और भी थोड़े से डिडक्शन ऑप्शंस आपको मिलते हैं न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 आपको मिलेगा ही। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस, कंपेंसेशन रिसीव्ड फॉर कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, डेली अलाउंस और भी कई सारे अलाउंसेस हैं, जैसे कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन NPS। तो अगर आपका एम्प्लॉयर नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करता है तो सेक्शन 80CCD2 के तहत आप उसको क्लेम कर सकते हो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। अगर आपने होम लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 24 में, जैसे कि मैंने आपको बताया जिसकी 2,00,000 की लिमिट है। लेकिन उस केस में आपका जो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट रहना चाहिए यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रेंट पे रहना चाहिए, तभी आप वो होम लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने अग्निवीर कॉर्पस फंड में डिपॉजिट किया है तो उसको भी क्लेम कर सकते हो। तो ये थोड़े से डिडक्शन ऑप्शंस हैं न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से अगर आपको अपना इनकम टैक्स बचाना है। लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हम सिर्फ 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन को कंसिडर करेंगे जब हम हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमने थोड़े से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कंसिडर किया है, इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल रहेंगे जहां तक ओल्ड टैक्स रेजिम का सवाल है, तो आप उन्हें यूज कर सकते हो। तो चलिए अब हम क्विकली देख लेते हैं कि आपका इनकम टैक्स कितना होगा मेरी जो वेबसाइट है उस पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज करके। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से कितना इनकम टैक्स होता है जब हम डिडक्शन जो है 5,75,000 का इंक्लूड करते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से और 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्लूड करते हैं न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान तरीका है मेरा जो ऑनलाइन कैलकुलेटर है उसको यूज करके। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग। फिनकेल्सी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा finkelsey-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स यहाँ पे हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज़ करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एक न्यू विंडो में हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इस कैलकुलेटर को यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका कितना इनकम टैक्स होता है वो जान सकते हो। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर हम सेलेक्ट करते हैं FY 23-24, आपकी उम्र कितनी है 0 से लेके 60 ईयर्स, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सैलरीड या फिर बिजनेसमैन, तो हम यहाँ पे सैलरीड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर पेंशनर हो तो आप वो वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि 5,00,000 की इनकम पे आपको कितना इनकम टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पे हम 5,00,000 का जो इनकम है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 5,75,000, तो दोस्तों
ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपकी इनकम से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे हम समझो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के तहत 12,500 रुपए की टैक्स की छूट मिलेगी ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे नीचे है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 5 लाख पे अगर मैं नीचे स्क्रोल करूं, ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 0 का इनकम टैक्स होता है, न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से भी 0 का इनकम टैक्स होता है। तो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यूज डाल देंगे, 0 का इनकम टैक्स जो है दोनों ही टैक्स रेजिम में। तो इसमें से कौन सा बेटर ऑप्शन है, तो ये दोनों ही बेटर ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख है तो ओल्ड या फिर न्यू आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अब 6 लाख की इनकम पे क्या होगा आपका इनकम टैक्स, तो यहाँ पे हम वापस से आएंगे, 6 लाख का जो इनकम है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो जैसे ही हमने स्क्रॉल किया, जैसे कि आप देख सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपको 23,400 का टैक्स पे करना होगा, लेकिन दूसरी तरफ न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से कोई भी टैक्स नहीं बनता, तो 0 का इनकम टैक्स होता है। तो यहाँ पे हम 0 का इनकम टैक्स मेंशन करते हैं, लेकिन आप ओल्ड टैक्स रेजिम में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और डिडक्शंस का फायदा ले सकते हो। तो 5,75,000 की जगह समझो अगर हमने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि 6 लाख माइनस 1 लाख, यानी कि हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख हो जाएगी। समझो अगर हमने वो 1 लाख सेक्शन 80C में यहाँ पे मेंशन किया, जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे, यहाँ पे 80C में कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं, जैसे कि EPF या फिर PPF और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, तो उसमें से हमने 1 लाख रुपीस का जो अमाउंट है वो डिपॉजिट किया है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने 1 लाख अमाउंट डिपॉजिट किया, अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमारा जो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स है वो 0 हो जाता है। तो हम यहाँ पे वापस से आएंगे और ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से भी 0 का जो इनकम टैक्स है उसको मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे भी ओल्ड या फिर न्यू आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो अपना इनकम टैक्स पे करने के लिए। अब समझो 7 लाख की इनकम है, तो उस केस में क्या होगा, तो हम यहाँ पे वापस से आएंगे, 7 लाख का जो इनकम है वो मेंशन कर देते हैं, और इसके साथ साथ 5,75,000 जो है वो भी मेंशन करते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या है कि 5,75,000 में हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 भी इंक्लूडेड है, तो मैक्सिमम हम 5,25,000 जो बाकी के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है उसको यूज करके क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1.5 लाख रुपीस सेक्शन 80C में डालेंगे, फिर सेक्शन 80D में 25,000 का लिमिट हमने कंसिडर किया है, और फिर सेक्शन 80CCD1B यहाँ पे ये वाला सेक्शन है जहाँ पे हम 50,000 रुपीस मेंशन करेंगे, और फिर HRA का सेक्शन है जो कि 1 लाख हमने कंसिडर किया है, तो HRA यहाँ पे हम 1 लाख रुपीस का जो अमाउंट है वो ऐसा एक्सेम्पशन क्लेम करेंगे। सेक्शन 24 में हमने 2 लाख रुपीस का अमाउंट मेंशन कर दिया है। तो ये सारे नंबर्स हमने ऑलरेडी मेंशन किए, तो दोनों ही टैक्स रेजिम के हिसाब से हमारा इनकम टैक्स 0 होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो वापस से हम यहाँ पे आएंगे और फिर 0 का इनकम टैक्स हमें पे करना होगा 7 लाख के इनकम पे भी। तो हम यहाँ पे ओल्ड या फिर न्यू कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। 8 लाख की इनकम पे कितना इनकम टैक्स पे करना होगा, हम यहाँ पे वापस आएंगे, 8 लाख जैसे ही हम यहाँ पे डालते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से हमको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 31,200 रुपीस का टैक्स हमारा बनता है। तो यहाँ पे हमारा 0 का इनकम टैक्स है, लेकिन यहाँ पे 31,200 का इनकम टैक्स बनेगा। तो यहाँ पे हमें ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ जाना चाहिए ताकि हमें कोई भी इनकम टैक्स पे न करना पड़े, प्रोवाइडेड कि हम ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों जरूरी नहीं कि आपको ये पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा 0 का इनकम टैक्स पे करने के लिए। दोस्तों 8 लाख की इनकम पे आपको सिर्फ 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक आ जाए, और 5 लाख या उससे नीचे की टैक्सेबल इनकम पे आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A का फायदा मिलेगा अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से अपना इनकम टैक्स पे करते हो। तो आपको सिर्फ 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 8 लाख की अगर आपकी इनकम है। इसके अलावा 9 लाख की अगर इनकम होती है तो आपको 4 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो दोस्तों ये नंबर्स आप ध्यान में रख सकते हो। तो हम वापस से यहाँ पे आएंगे, 9 लाख रुपीस का इनकम पे हम देखेंगे हमारा इनकम टैक्स कितना होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से कोई भी इनकम टैक्स नहीं, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 41,600 रुपीस। तो हम ये चीज यहाँ पे मेंशन करते हैं, ये 0 हो गया और फिर ये आपका 41,600 रुपीस हो गया। वापस से हमारा ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से कम इनकम टैक्स हमको पे करना पड़ेगा। तो ये चीज हम यहाँ पे भी कॉपी कर देते हैं।
अब 10 लाख की इनकम पे हमारा कितना इनकम टैक्स होगा, हम यहाँ पे वापस से आएंगे और यहाँ पे 10 लाख का जो इनकम है वो मेंशन करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो वापस से ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से कोई भी इनकम टैक्स नहीं, क्योंकि दोस्तों हमने इतने सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया है कि हमें टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A का भी फायदा मिल रहा है और इसकी मदद से हमें कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में क्योंकि ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं, इसीलिए हमें 54,600 रुपीज का टैक्स यहाँ पे करना होगा। तो हम ये वापस से यहाँ पे मेंशन करेंगे 54,600 का टैक्स, लेकिन यहाँ पे जीरो का इनकम टैक्स है और यहाँ पे वापस से हमारा ओल्ड टैक्स रेजिम जो है वो बेटर रहेगा। बाकी के जो इनकम लेवल्स है उसके लिए भी मैं जल्दी से यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 11 और 12 लाख की इनकम पे भी अगर हम ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ जाते हैं और इतना अमाउंट एज अ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ओल्ड टैक्स रेजिम जो है उसके हिसाब से कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये जो कैलकुलेटर मैंने आपके लिए बनाया है उसको यूज करके आप जान सकते हो कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैंने ये लिंक भी दिया है इनकम टैक्स एक्सेल कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24, जो कि आपको मदद करेगा एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करने के लिए, जिसमें आपको स्लैब वाइज डिटेल्स भी मिलेंगी। कुछ इस तरीके से आपको ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर दिखेगा जहाँ पे हर एक स्लैब में आपका कितना इनकम टैक्स होता है ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से वो आपको दिख जाएगा और आपको कितना टैक्स रिबेट मिलेगा यहाँ पे अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए वो भी चीज आपको दिख जाएगी। तो आप ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर भी डाउनलोड कर सकते हो इस लिंक को यूज करके। इसके अलावा इसी कैलकुलेटर के पेज पे मैंने अपना QR कोड भी दिया है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे डोनेट भी कर सकते हो। ये चीज मुझे मोटिवेट करेगी ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना सकूं। तो जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसानी से आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों ये आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाना है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने तो बेटर रहेगा कि आप न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाइए, क्योंकि इसमें रिड्यूस्ड टैक्स स्लैब रेट्स है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को यूज करते हो फ्यूचर में सेव करने के लिए तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ देखना चाहिए कि क्या उसमें आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं, ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज करके, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करने वाले हो। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि जानना चाहते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब रेट्स क्या है और उनका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबस्क्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।